पेशवा बाजीराव के एपिसोड में अभी काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। बाजी मान जी से माफी मांगकर घर लौटते ही है कि बाजी और काशी में फिर से लड़ाई हो जाती है। राधाबाई जब वहाँ बाजी को रोकने आती है, उन्हें लेबर पेन चालू हो जाता है और काशी जल्द ही वेद जी को बुलाती है। राधाबाई लड़की को जन्म देती है और वेद जी बताते हैं कि बच्चा मरा हुआ है, जिसके बाद बच्चे को उठाने की कोशिश में सब लग जाते हैं और फाइनली बच्चा रोने लगता है और बाजी उसे चुप कराने में लग जाते हैं। तब ब्यू काशी से कहती है कि अगर बाजी ने बच्चे को अपने लैप में चुप कराया तो बाजी को युद्ध पर जाने देंगी। चिमना तब कहती है कि अगर बाजी बच्चे को चुप कराने में कामयाब नहीं हो पाए तो काशी जैसे कहेंगी वो वैसे ही करेंगे। इसके बाद बाजी बच्चे के कान में कुछ कहते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। ब्यू बाजी से पूछती है कि उन्होंने बच्चे के कान में क्या कहा। तब बाजी ब्यू को बताते हैं कि उन्होंने कहा कि वो चुप हो जाए, नहीं तो वो अपनी वहिनी की तरह बन जाएंगी। काशी ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और रूम से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद मोगल और नासिर उसे किडनैप कर लेते हैं। अब आगे क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है स्टोरी के बारे में कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और पेशवा बाजीराव के मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।